स्वागत है आपका हिलेस कोचिंग में आइए शुरू करते हैं ब्रह्मस्थ सीरीज़ को और पहला ब्रह्मस्त सवाल देखते हैं वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व ऑन डैश इस 2023 थीम इज एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस आपके ऑप्शन है आपको डेट बतानी है ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी अप्रैल ट्वेंटी सेकेंड मे या ट्वेंटी जून वर्ल्ड वाटर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है सही जवाब है 22 मार्च अगला सवाल लेते हैं इंडिया साइड अ लोन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट आपके ऑप्शंस हैं एडीबी, बी वर्ल्ड बैंक या जे आई सी ए सही जवाब है वर्ल्ड बैंक अगला सवाल है एक्सरसाइज़ अल मोहद अल हिंदी 23 थ्री इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री यूएई, सऊदी अरेबिया यमन या फिर ओमान भारत और किन में इनमें से किन देशों के साथ ही एक्सरसाइज हुई है सही जवाब है भारत और सऊदी अरेबिया हील इन इंडिया इज एन initiative ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल Affairs, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हिल्स कोचिंग के साथ जुड़कर अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करें हमारे विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल आपके एच से लेकर क्लग तक की सभी एग्जाम्स की जरूरतों को पूरा करते हैं अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए सामने दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं वेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व ऑप्शन हैं अठारह मार्च इक्कीस मार्च तेईस मार्च या चौबीस मार्च इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सही जवाब है 21 मार्च द गौरसम कोरा फेस्टिवल इज पॉपुलरली नोन एज द फ्रेंडशिप फेस्टिवल बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ध्यान दें गौरसम कोरा फेस्टिवल भारत और किस दूसरे देश के में एक फ्रेंडशिप फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है नेपाल बांग्लादेश म्यांमार या भूटान सही जवाब है भूटान एशियाज लार्जेस्ट फोर मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिर टेलीस्कोप लॉन्च इन विच स्टेट उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश असम या फिर सिक्किम सही जवाब है उत्तराखंड द थीम ऑफ दर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डैश इज द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्रॉस जनरेशन आपको बताना है कि जो थीम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ट्वेंटी थ्री का वो है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन आपको तारीख बतानी है कि किस तारीख को मनाया जाता है सही ऑप्शन है तेईस मार्च अगला सवाल लेते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जिसको हम वॉश भी कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनिसेफ आईएमएफ या यूनेस्को सही जवाब है यूनिसेफ अगला सवाल लेते हैं द अर्थ आर इवेंट इज अ ग्लोबल एनुअल इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन ऑप्शन है यूनिप वर्ल्ड वाइड फंड यूनिसेफ या आई सही जवाब है वर्ल्ड वाइड फंड अगला सवाल है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री अनाउंसड स्क्रैप टू स्क्रैप ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स ओल्डर दैन हाउ मेनी ईयर्स टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स या ट्वेंटी फाइव ईयर्स सही जवाब है 15 ईयर्स विच कंट्री वॉन द men's हॉकी वर्ल्ड कप 2023 in ट्वेंटी इन भुवनेश्वर आपके ऑप्शन हैं फ्रांस ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम या फिर जर्मनी सही जवाब है जर्मनी अगला सवाल लेते हैं आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी सेट द स्टेट कैपिटल वुड बी शिफ्टेड टू विच सिटी आपके ऑप्शंस हैं कुरनूल विशाखापट्टनम विजयवाड़ा या गुंटूर सही जवाब है विशाखापट्टनम एज पर द यूनियन बजट 2023, थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वट इज द पर कैपिटल इनकम इन इंडिया एज ऑफ डेट चार लाख पंद्रह हजार पर एनम, तीन लाख पिचहत्तर हजार दो लाख पचपन हजार लाख या एक लाख सत्तानवे हजार सही जवाब है रुपीज वन लाख नाइन सेवन पर एनएम आज का आखिरी सवाल यूनियन बजट अनाउंस मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाई विच इजार पच्चीस दो हजार तीस दो हजार पैंतीस या दो हजार सैतालीस सिक्कल सेल अनिमिया बीमारी को कब तक पूरी तरह से खत्म करने का मिशन है आपको साल बताना है सही जवाब है दो हजार पच्चीस हिलिस कोचिंग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत